हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे पास यहाँ धमाकेदार एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चलने वाली है। तो क्यों ना आप सब्सक्राइब करें और पूरा आनंद लें। चलिए, हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की, और नर्वस सिस्टम में हम अभी तक बात कर चुके हैं न्यूरॉन्स के इंट्रोडक्शन तक की बात कर चुके हैं, और कुछ कुछ हम थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं जो स्ट्रक्चर है उसकी न्यूरॉन की, उसके बारे में भी हमने मोस्टली बात की है अभी तक। एक्शन पोटेंशियल या किस प्रकार से पोटेंशियल जनरेट होता है या इम्पल्स जनरेट होता है उसके बारे में बात की है। अब हम बात करते हैं जो इसके कंपोनेंट या स्ट्रक्चर हैं किसके, न्यूरॉन्स के, उनके बारे में बात करते हैं। तो हमने पहला जो मेन इंपोर्टेंट बताया था वो बताया था सेल बॉडी, और बाकी के जो बताए थे वो बताए थे हमने न्यूरॉन का जो पार्ट था वो था लॉन्ग वाला प्रोजेक्शन और शॉर्ट प्रोजेक्शन। लॉन्ग वाला प्रोजेक्शन हमने क्या नाम दिया था, एक्सॉन, एंड जो शॉर्ट प्रोजेक्शन थे वो हमने नाम दिए थे क्या, डेंड्राइट्स। अगर हम बात करते हैं एक से अधिक न्यूरॉन्स की बात करते हैं तब हम कह देंगे सेल बॉडीज, एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। एक्सॉन केवल एक होता है, डेंड्राइट्स न्यूमरस होते हैं। तो सेल बॉडी जो होती है, नर्व सेल्स वारी कंसिडरेबली इन साइज एंड शेप, बट दे आर ऑल टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आईज। तो सेल बॉडीज को आप आंखों से तो देख ही नहीं सकते हैं। सेल बॉडीज फॉर्म ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड आर फाउंड एट द पेरिफेरी ऑफ द ब्रेन एंड इन द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज आर कॉल्ड न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैंग्लिया इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड एन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन इज द बेसल गैंग्लिया न्यूक्लियाई सिचुएटेड विद द सेरेब्रम। तो अब देखिए, ग्रे मैटर जो ये कवर करती है नर्वस सिस्टम का, और अगर हम बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन में ये क्या है, सेल बॉडी जो होती है अंदर की तरफ दसी होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो पेरिफेरी या स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, वहां पर ये आपको सेंटर की साइड में मिलेगी। देखिए, इसमें लिख भी रहा है, क्लियर लिख रहा है, आर फाउंड एट द पेरिफेरी ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन जो होता है उसकी पेरिफेरी मिलेंगी और सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, ये आप, ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये क्या है, ब्रेन है। तो ये ब्रेन के ऊपर की साइड में जो मिलेंगी ना, वो सेल बॉडी मिलेंगी। लेकिन यहां पर आपको ऊपर की साइड में क्या मिलेंगी, आपको जो एक्सॉन वाले पार्ट्स हैं वो मिलेंगे। यहां सेल बॉडी जो होती है वो भीतर की साइड में दसी होती है, और ये ग्रे मैटर को कवर करती है। कौन, सेल बॉडीज, किसके को, ब्रेन के को। और जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है उसको अगर हम सीएनएस में बात करते हैं, यानी सीएनएस किस किस से मिलकर के बना होता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन से मिलकर के बना होता है। तो वहां पर अगर हम बात करेंगे सेल बॉडीज के बारे में इकट्ठी, तो वहां पर न्यूक्लियाई नाम देंगे हम, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो वहां पर इनको गैंग्लिया नाम देंगे। क्या नाम देंगे, गैंग्लिया। तो गैंग्लिया अगर आपसे कोई कहे तो गैंग्लिया का मतलब आप क्लियरली समझ जाए कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज की बात कर रहे हैं। लेकिन इसका भी एक एग्जांपल है, वो है बेसल गैंग्लिया, ठीक है। जो बेसल गैंग्लिया होता है, यानी जो उसमें जो न्यूक्लियाई होता है, यानी कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी जो होता है बेसल न्यूक्लिया में, वो ब्रेन में कहां होता है, पेरिफेरी की तरफ, लेकिन बेसल गैंग्लिया में अंदर की साइड में सेरेब्रम में सिचुएटेड होता है। ये आप एक्सेप्शन को ध्यान रखें, और एग्जाम्स में तो ये एक्सेप्शन ही पूछे जाते। अब हम बात करते हैं एक्सॉन्स की बात करते हैं। तो एक्सॉन्स जो होते हैं और डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स आर एक्सटेंशंस ऑफ सेल बॉडी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एंड फॉर्म द व्हाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ग्रे मैटर कौन बनाता है, सेल बॉडी, लेकिन व्हाइट मैटर कौन बनाता है, व्हाइट मैटर एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स बनाते हैं। एक्सॉन्स आर फाउंड डीप इन द ब्रेन एंड इन ग्रुप कॉल्ड ट्रैक्स एट द पेरिफेरी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। दे आर रेफर टू एज नर्व्स और नर्व फाइबर्स
आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सिंपल सी बात है, जैसा आपको मैंने बताया था किसके बारे में, हमने बात की थी सेल बॉडीज के बारे में। तो ब्रेन में हमने कहा था अंदर की तरफ क्या होती है सेल बॉडी, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रेन में बाहर की साइड में क्या पाई, मैंने कहा था ब्रेन में सेल बॉडी जो होती है वो बाहर की साइड में होती है, तो ऑब्वियस सी बात है जो अंदर की साइड में क्या रहेंगी वो एक्जोन और डेंड्रोन रहेंगे, ठीक है। तो और ये व्हाइट जो बैटर है उसको कवर करते हैं, लेकिन इनको यहां पर नाम दिया जाता है, इनको ट्रैक्ट नाम दिया जाता है, इनको नाम क्या दिया जाता है, उनको न्यूक्लियाई नाम दिया जाता है, और इनको क्या नाम दिया जाता है ट्रैक्ट, लेकिन पीएनएस में इनको गैंग्लिया नाम दिया जाता है और इनको ट्रैक्ट नाम दिया जाता है, तो ये आप ध्यान रखें। और इनको नर्व फाइबर्स भी नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है नर्व फाइबर्स, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड में पेरिफेरी की तरफ होते हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें कि ट्रैक्ट कहां बोला जा रहा है, न्यूक्लियाई कहां बोला जा रहा है, इन चीजों। आगे हम बात करते हैं एक्जोन्स की बात करते हैं, तो ये तो हमने कॉमन बात कर ली किसके बारे में, डेंड्राइट्स और एक्जोन्स। ईच नर्व सेल हैज ओनली वन एक्जोन व्हिच बिगन्स एट ए टेपर्ड एरिया ऑफ द सेल बॉडी द एक्जोन हिलॉक, दे कैरी इंपल्सेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड आर यूजुअली लॉन्गर देन द डेंड्राइट्स, sometimes as long as 100 centimeter। तो ये बात कर रहे हैं कि ये जो एक्जोन हिलॉक है ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। यहां तक हमने बात कर ली किसके बारे में, सेल बॉडी के बारे में बात कर ली। अब सेल बॉडी से निकल रहा है प्रोजेक्शन, एक प्रोजेक्शन लंबा वाला निकल रहा है, तो वो प्रोजेक्शन कहां से माना जाएगा, वो प्रोजेक्शन माना जाएगा इस जगह से माना जाएगा, और इस जगह को हम कहते हैं एक्जोन हिलॉक। क्या कहते हैं इसको, एक्जोन हिलॉक, हिलॉक यानी यहां से निकल रहा है कौन, एक्जोन निकल रहा है। इसकी लंबाई की भी बात कर ली है, ये डेंड्राइट से बड़े होते हैं और कितने हो सकते हैं 100 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई होती है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्जोन की बात करते हैं, तो मेम्ब्रेन्स ऑफ द एक्जोन इज कॉल्ड एक्जोलिमा एंड इट एनक्लोज द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। तो एक्जोलिमा क्या होती है, ये जो न्यूरोन है इस न्यूरोन के चारों तरफ जो लेयर है जिस जो इसको ढके रहती है उसे हम कहते हैं एक्जोलिमा, यानी मेम्ब्रेन जो है एक्जोन की वो क्या है एक्जोलिमा, और ये पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन या पूरी सेल बॉडी है उसको ढकके रखी रहती है, क्या एक्जोलिमा, ये बाहर की। अब क्या होता है एक्जोलिमा के अलावा एक हम बात करते हैं कि लेयर और पाई जाती है, वो पाई भी जा सकती है, किस प्रकार से पाई जाती है, किस प्रकार से नहीं भी पाई जाती है, तो किस प्रकार से नहीं पाई जाती है। अगर वो पाई जाती है तो हम कहेंगे माइलिनेटर न्यूरोन, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। तो चलिए माइलिनेटर न्यूरॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, और वो जो पाई जाती है लेयर उसको कहते हैं माइलिन शीथ। लार्ज एक्जोन्स एंड दो जो पेरिफेरल नर्व्स आर सराउंडेड बाय ए माइलिन शीथ वो क्या कहलाते हैं माइलिनेटर न्यूरॉन्स। दिस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्वान सेल्स अरेंज अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्जोन। तो ये देखिए ये क्या पाई जा रही है, ये पाई जा रही है, ये जो लेयर पाई जा रही है ये है माइलिन, क्या है ये माइलिन है, और इसमें ये देखिए ये जो सेल्स पाई जा रही हैं ये क्या है, ये पाई जा रही है स्वान सेल्स पाई जा रही है। ईच वन इज रैप अराउंड द एक्जोन सो दैट इट इज कवर्ड बाय नंबर ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ स्वान सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिटवीन द लेयर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज स्मॉल अमाउंट ऑफ फैटी सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्वान सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द न्यूरिलेमा। तो इसके भी बाहर की जो लेयर होती है वो स्वान सेल की वो होती है न्यूरिलेमा, देखिए इसमें ये दर्शाई भी जा रही है बाहर की जो लेयर है ये क्या है न्यूरिलेमा। आगे बाकी की बातें हम आगे बात करेंगे अगली वीडियो में। तो स्टूडेंट्स अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, धन्यवाद।